दोस्त, कैसी लगी आपको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान? आप तो हमारे पुराने दर्शक हैं, क्या बोलेंगे? अल्टीमेट मूवी है, जबरदस्त मूवी है। स्टोरी, स्क्रीन पे, स्क्रिप्ट, म्यूजिक, डायरेक्शन बच्चन साहब ने धो दिया। सही मायनों में बॉलीवुड के बाप है, किंग है, शहनशाह है। और दो आमिर खान साहब बॉलीवुड के लेजेंड सुपरस्टार है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। दोनों का केमिस्ट्री जुगलबंदी लाजवाब है। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि महानायक का अभी इंडस्ट्री में 50 साल होने को है और आमिर खान साहब का 30 साल होने के, आज तक किसी डायरेक्टर ने उन दोनों को लिया क्यों नहीं? सही मायनों में उनको, इन दोनों को और पिक्चर एक साथ करनी चाहिए। जबरदस्त मूवी है। बच्चन साहब ने जो तलवारबाजी की जबरदस्त 76 इयर्स में, वो मींस वो पुराने दिन याद दिला दिए, मींस जंजीर, या एग्जैक्टली शहनशाह, जंजीर, दीवार, हाँ एग्जैक्ट, खुदावा, मर्द, त्रिशूल, काला पत्थर, मैं क्या बोलूँ, अमित जी इज द बेस्ट। बच्चन साहब की जितनी तारीफ किया जाए उतनी ही कम है। ये देखिए, ये मैं आपको एक टिकट दिखा सकवाता हूँ। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम गुवाहाटी, मैं गुवाहाटी से आया हूँ, सिर्फ आज का दिन मैं शूटिंग में व्यस्त था, सिर्फ पिक्चर देखने के लिए आया हूँ थग्स ऑफ हिंदुस्तान। और क्या बोलूँ, अमित जी की फिल्म मुझे मुंबई में ही देखना है, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो मैं मुंबई में आया हूँ सिर्फ थग्स ऑफ हिंदुस्तान देखने के लिए। बहुत बढ़िया। और ये किताब मैंने लिखा है अमित जी के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। नाम ले लीजिए इसका। या द नेम ऑफ द बुक इज बिगेस्ट स्टार ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ द मिलेनियम। मैंने ये किताब लिखी है और ये अमित जी ने मुझे ऑटोग्राफ भी किया हुआ है, ये वाला। दोस्त, अगर दर्शकों को आपकी ये बुक पढ़नी है या ऑनलाइन कुछ कहीं कहाँ मिलेगी, क्या करेंगे वो भी बता दो। एग्जैक्टली, विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स बाय जनवरी, एंड आई एम प्लानिंग टू गिव इट इन amazon.com, जो भी साइट है मैं वहाँ पे दे दूंगा डेफिनेटली। तो आप डेफिनेटली वो लिंक्स मैं शेयर करवा दूंगा, क्योंकि मैं गेटी गैलेक्सी में हर शुक्रवार आता हूँ पिक्चर देखने के, तो यू विल गेट अपडेटेड डेफिनेटली। और बोलिए, और पूछिए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ बाकी के और जो कलाकार थे, जैसे जिशान आयुब, फातिमा सना शेख, कैटरीना कैफ, उनका काम आपको कैसा लगा, क्या कहेंगे? मार्वलस काम किया है फातिमा शेख जी ने, जिन्होंने जो कि दंगल की अभिनेत्री, दूसरी फिल्म है उनकी, जो इमोशनल सीन्स है, जो एक्टिंग है, जो किरदार उनको मिला है काफ़ी सूट करता है उनको, उनकी जो शी हैज़ गॉट ए ग्रेट फ्यूचर इन बॉलीवुड। मुझे लगता है विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स शुड बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीग एक्टर्स ऑफ एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि उनकी जो शी हैज़ गॉट ए टेरिफिक स्क्रीन प्रेजेंस, बहुत अच्छी लगी उनकी काम डेफिनेटली। उनके एक्शन सीन्स लाजवाब, काबिले तारीफ। मैंने बोला ना, शी हैज़ बीन स्पेशली ट्रेन्ड फॉर दिस मूवी, तो शी हैज़ रियली प्रूवन हर वर्थ आफ्टर दंगल। हाँ, कैटरीना कैफ जी की रोल काफ़ी कम थे, थोड़ा अगर ज़्यादा होता तो अच्छा लगता, सिर्फ गाने में ही निकलते हैं और एक दो डायलॉग्स होते हैं, हालांकि सीन स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी कम था, तो उसके वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। लेकिन ऑल अलॉन्ग मूवी की अगर बात की जाए, स्टोरी, स्क्रीन पे, स्क्रिप्ट, म्यूजिक, डायरेक्शन, विजुअल अपील, ऑसम, माइंड ब्लोइंग, मार्वलस। मुझे लगता है ये फिल्म दिवाली धमाका है, 350 करोड़ की बिजनेस ऐसे ही पार कर पर जाएगी, और आज ओपनिंग डे है, मुझे लगता है आज 40 करोड़ का बिजनेस करेगी। ओके दोस्त, एक और चीज़, जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो VFX को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था कि फेक लग रहे हैं, ये है वो है, तो आपने फिल्म देख ली है, अब VFX के बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, VFX लाजवाब है, आप फिल्म देखो, पिक्चर समझ में नहीं आती है तो दोबारा देखो, सही मायनों में बहुत मेहनत की गई है। विजय कृष्ण जी को भी मैं आई वॉन्ट टू जस्ट हैट्स ऑफ टू हिम फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ ए मूवी। इट रिमाइंड्स मी ऑफ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जॉनी डेप जी की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से भी काफ़ी अच्छी फिल्म है ये। आप फिल्म को देखो, समझो, ऐसी फिल्म को बनाना इतनी आसान काम नहीं है, जहाज में शूट करना, यहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ पे शॉर्ट फाइटिंग करना, लाजवाब, सभी किरदारों ने काम लाजवाब किया। आमिर खान जी को कि जो रोल था वो वाकई में सही मायने में मिस्टर परफेक्शनिस्ट थे, बॉलीवुड के एक लेजेंड है। जो कॉमिक्स सीन्स थे, इट वाज रियली वंडरफुल। एंड अमित जी के साथ जो एग्जैक्टली गढ़े वाला तो लाजवाब है, अमित जी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री है ना, जुगलबंदी लाजवाब है। और बच्चन साहब की आवाज़ की क्या बात करूँ बॉस, मीन सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। इस उम्र में भी 76 ईयर्स में भी वो जो शुरुआत की थी साथ हिंदुस्तानी 69 में, आज 2008 हो गया, 49 ईयर्स ही इज कम्प्लीट। 2018 में अभी ही हैज कंप्लीटेड 49 इयर्स इन बॉलीवुड, तो आप सोच सकते हैं अगले साल वो 50 साल कंप्लीट करेंगे। तो एक ऐसे लेजेंड, एक ऐसे महानायक जो इंडस्ट्री को इतने साल दे चुके हैं, 200 पिक्चर से ज़्यादा काम कर चुके हैं, तो आज भी उनकी वही आवाज़, वो जंजीर वाली आवाज़ आज भी है, माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू हिम। अमिताभ बच्चन जी, आपके बारे में क्या बोलूँ सर, सिर्फ पिक्चर देखने के लिए मैं गुवाहाटी से आया हूँ, आपकी फिल्म देखने के लिए गेटी गैलेक्सी में मुझे देखना है, और क्या बोलूँ, ये बुक भी आपके लिए लिखा हुआ है, आपके लिए मैंने फैन क्लब भी लॉन्च किया है आसाम में, सो आई रियली लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। हाल ही में मैं आपसे मिला था KBC में, शायद आपको याद नहीं होगा, ऑडियंस में था मैं, 3 बार मैं ऑडियंस में ही था, तो अब जुहू में ही रहता हूँ, मैंने घर भी जुहू में ही लिया है, क्योंकि क्योंकि भगवान के हमेशा दर्शन होकर काम में जाता हूँ, तो यही कहूंगा कि ये फिल्म चलनी चाहिए, चलेगी नहीं, ये फिल्म दौड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली, उड़ जाएगी डेफिनेटली, तैर के चली जाएगी, अरे सर ऐसे ही जाएगी, मैं क्या बोलूं, मींस जो शोले होता है ना, शोले,
दिस इज अनदर शोले एग्जैक्टली आउट ऑफ 5 कितने आउट ऑफ 5 मैं फिल्म को 4.5 स्टार दूंगा लेकिन बच्चन साहब के लिए 5 में से 5 स्टार ही दूंगा जबरदस्त और आमिर खान और बच्चन साहब को फिर से एक दोबारा आना चाहिए एक सीक्वल इसका सीक्वल भी बनना चाहिए मुझे लगता है थैंक यू अल्टीमेट मूवी लव यू अमित जी थैंक यू लव यू सर थैंक